हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। डेमोंस्ट्रेशन करने जाओगे तो मांगोगे क्या? अदालत ने हटाने का कहा, हुकूमत मनाने में मसरूफ है। इस्लामाबाद धरने का दायरा कराची तक फैल गया। कानून से बाहर जाकर वजीर कानून का इस्तीफा मांगा जा रहा है। मुजाहिरीन और हुकूमत के दरमियान अवाम पिस रहे हैं। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की नई लहर ने ही जान बर्पा कर रखा है। तुर्बत में 3 दिन में 20 लाशें गिरा दी गईं। बदमनी में बैरूनी साजिश और अंदरूनी हाथ मुलव्वस है। गलत रास्तों पर जाने वालों की सम्त हुकूमत दुरुस्त करे। डार साहब का जाना ठहर गया, सुबह गए या शाम गए। हुकूमत नया वजीर खजाना भी ढूंढ रही है और इसहाक डार को हटाने का बहाना भी। इस्तीफे की वजह कानूनी कार्रवाई नहीं, बीमारी होगी। और लाहौर में फैज इंटरनेशनल फेस्टिवल घुटन ज़दा माहौल में ताज़ा हवा का झोंका है। मौजूदा मुल्की सियासी और समाजी हालात में फैज के पैगाम को समझने की जरूरत है। किनसे मुनसफी चाहें? देख रहे हैं न्यूज़ आर विद नाजिया और मैं हूं नाजिया अशर। खत्मे नबूवत से मुतालिक मुबैना तरमीम के खिलाफ मजहबी जमातें पहले तो सिर्फ इस्लामाबाद में धरना देकर बैठी हुई थी, लेकिन आज उन्होंने कराची को भी ब्लॉक किया है। नुमाइश चौरंगी पर ये लोग धरना देकर बैठे हुए हैं, जिसके बाद पूरे कराची में ही ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो बुरी तरह से मुतासर हुआ है। उधर इस्लामाबाद में धरने के जो शुरका हैं उनसे हुकूमत के मुज़ाकरात अब तक कामयाब नहीं हो सके हैं। सुबह से राजा जफर हक की रिहाइश पर कई नशस्तें हो चुकी हैं, जिसके बाद मजहबी जमातों का मुशावरती वक्त हुकूमती पैगाम लेकर वापस धरने की क़यादत के पास भी गया, जिसके बाद हुकूमत ने धरने वालों के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात ख़त्म करने और वजीर कानून जाहिद हामिद के इस्तीफे के मामले पर कमेटी बनाने की पेशकश भी की। लेकिन के बावजूद अब से कुछ देर पहले ही ये खबर भी आई कि मजहबी जमातों ने जाहिद हामिद के इस्तीफे तक धरना खत्म करने से इनकार कर दिया है। बदस्तूर जाहिद हामिद के इस्तीफे पर बजिद हैं और इस वक्त कराची और इस्लामाबाद की जो सूरत हाल है वो ये है कि डेडलॉक की जो सिचुएशन है वो जारी है। स्पॉट्स पर क्या कुछ हो रहा है कराची से हम जानेंगे। वकास खान इस वक्त नुमाइश चौरंगी पर मौजूद हैं, जबकि इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की अपडेट के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ नवीद, और इस दौरान किसी हुकूमती नुमाइंदे से भी बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस्लामाबाद का रुख करते हैं, जहां से ये तमाम तर मामला शुरू हुआ। मुजाहिरीन जहां पर बैठे हुए हैं और ये भी कोशिश की जा रही है कि किसी तौर पर इन मुजाहिरीन को मनाया जा सके। आसिफ, बड़ी कोशिशें की गई, मुशावरती वक्त गए और बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन डेडलॉक अपनी जगह जारी है। इस्तीफा लिए बगैर उठने को तैयार नहीं है ये मुजाहिरीन। अब सिचुएशन आपको क्या नज़र आती है? हुकूमत थोड़ा सा बैकफुट पर गई है, कोशिश कर रही है कि किसी तौर पर इनके जो मुतालबात हैं उनको पूरा कर दिया जाए? आप देखिए, हुकूमत की जानिब से तो हत्तल वसा कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से भी ये जो यहाँ पर मुजाहिरीन मौजूद हैं इनको मुज़ाकरात के ज़रिए यहाँ से हटाया जाए और ताकत का इस्तेमाल ना किया जाए। इसी वाले से देखिए, वज़ीर दाखला ने 24 घंटे की मोहलत भी दी है। अगर उससे अलावा बात करें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो वाजह तौर पर कह चुकी है कि जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है और जो हुकूमत है वो सिर्फ तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। आवाम को जिस कर्ब से गुजरना पड़ रहा है उसका कोई एहसास नहीं है। जो भी मसला हल करना है उसको जल्द अज जल्द हल किया जाए। आज तक की उनके पास डेडलाइन दी गई थी, आज तक का वक्त दिया गया था, लेकिन चूंकि वजीर दाखला मुशावरती अमल के तहत मुजाकरात के साथ इस मसले का हल चाहते हैं, इसी वजह से मुजाकराती वफ्त का तबादला हो रहा है। अब से कुछ देर कबल हमारे जराय का ये कहना है कि हुकूमत से जब यहाँ से 3 रुकनी वफद यहाँ से गया था तो उन्होंने पहला मुतालबा जो रखा था वो वफाकी वजीर कानून जाहिद हामिद के इस्तीफे का रखा था, और दूसरा मुतालबा जो था वो उनके जो गिरफ्तार कारकुनान हैं उनकी रिहाई थी, और तीसरा जो इनके खिलाफ 16 से ज्यादा
FIR दर्ज हुई है अब तक उनकी वापसी थी। हुकूमत ने अब तक जो अभी हमें इत्तला मिली है वो हुकूमत ने अभी जो है उनको पेशकश की है कि आपके मुकदमात भी वापस ले लेते हैं और जो आपके गिरफ्तार कारकुनान हैं वो भी जो है वो उनको रहा कर दिया जाता है। और साथ ही साथ जो जाहिद हामिद के हवाले से उन्होंने कहा कि कमेटी बना देते हैं, कमेटी जो भी फैसला करेगी उस पर मनोअन अमल होगा। लेकिन साथ ही साथ आसिफ के कमेटी बनाकर अब कमेटी का जो होगा उसको माना जाएगा। जाहिद हामिद की रेजिग्नेशन पर तो कोई भी तैयार नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो मुतालबात हैं वो मुजाहिरीन के वो तो पूरे होते हुए नजर नहीं आते। देखिए कुछ चीज़ें पूरी होती हुई इस तरह दिखाई दे रही हैं कि जो ज़राए का कहना है जो पहली नशिस्त हुई है एक बाबता तौर पर जो बड़ी नशिस्त हुई थी उसमें ये सबसे पहले हुकूमत की जानिब से सवाल उठाया गया था कि अगर हम आपके मुतालबे पर जाहिद हामिद को यहाँ से अपना इस्तीफ़ा ले लेते हैं उनको हटा देते हैं तो उनकी ज़िंदगी की ज़मानत कौन देगा, उनके अहले खाना की ज़िंदगी की ज़मानत कौन देगा, हमारे मुल्क के अंदर मजबी जुनूनी लोग भी मौजूद हैं तो कोई भी उठेगा और उनके फैमिली को और उनको नुकसान पहुँचा सकता है, आप उसको गुस्ताखे रसूल करके कैसे हटा सकते हैं। जिस पर अभी हमारे ज़राए का ये कहना है कि जो तीन रुकनी मशावरती वफ्त यहाँ से गया था वो वापस आए हैं, एक ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है यहाँ पर और उस ड्राफ्ट की जो जो उसमें लिखा गया है वाजिया तौर पर कि हम जो है जाहिद अहमद जो फाकी वजीर कानून है उनको गुस्ताखे रसूल नहीं समझते और ना ही उनको वाजिबुल कत्ल समझते हैं, बल्कि हम उसको इन कानून में कि जिस वक्त तैयारी हो रही थी उसमें गफलत का मुर्तकिब समझते हैं कि उन चूँकि उनके नीचे ये सारा मामला तय हो रहे थे, वजीर कानून है उनकी गफलत के बायस ये सारा कुछ हुआ, तो लिहाजा उन्होंने कहा है कि हम उनको गफलत के बायस यहाँ से हटाना चाहते ताकि आइंदा मुस्तकबिल में कोई ऐसी हरकत ना हो सके, लेकिन वाज़ह तौर पर उसमें लिखेंगे कि गुस्ताखे रसूल नहीं है और उनका कोई कसूर नहीं है, सिर्फ इतनी उनकी गलती है। की ये तैयारी वकास की जानिब जाऊंगे क्योंकि कराची में अब एक नई सूरत हाल ने जन्म लिया है कि जब कराची के अंदर ये धरना स्टार्ट हुआ है, वकास नुमाइश चौरंगी पर जहाँ पर यह धरना हो रहा है वहां पर क्या सिचुएशन है और क्या यहाँ के जो मुजाहिरीन है मुतालबात इस्लामाबाद में कामयाब हो जाते हैं तो यहाँ से ये भी उठ जाएंगे या इनके मुतालबात कुछ अलग है? तो तकरीबन 7 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, यहाँ पर एहतजाजी धरना दिया गया है, इनके वही मुतालबात हैं जो इस्लामाबाद में धरना देने वालों के हैं उनके वही मुतालबात हैं। अगर वहाँ पर अगर वहाँ से धरना खत्म हो जाता है तो यहाँ पर भी धरना खत्म कर दिया जाएगा, इनके अलग से कोई मुतालबा नहीं है, इजहार यकजहती के तौर पर यहाँ पर ये एहतजाज किया जा रहा है। 7 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, जब ये धरना शुरू हुआ था तो फिर क्योंकि एमएजिना रोड है मेन सड़क है इसके एक ट्रैक को यहाँ पर बंद कर दिया गया था जिसकी वजह से यहाँ पर मुतबादिल रास्तों का इंतजाम फौरी तौर पर करने की कोशिश की गई, इंतजामिया पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से यहाँ पर नफरी भी भेजी गई थी और यहाँ पर ट्रैफिक को मामूल पिलाने की कोशिश की गई थी, मुतबादिल रास्ते क्योंकि फौरी तौर पर लोग समझ नहीं पाते जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किल पेश आती हैं, इसकी वजह से ही यहाँ पर ट्रैफिक जाम की सूरत हाल देखने में है। अतराफ के जो इलाके हैं सुलझा बाजार है, लाइज एरिया है, इसके अलावा गुरु मंदिर तक भी ट्रैफिक जाम की सूरत हाल देखने में आई थी, काफ़ी घंटों तक इसी तरह की सूरत हाल थी, लेकिन अब क्योंकि सड़कों पर उतना ट्रैफिक नहीं था जो कि शाम के वक्त होता है तो इस वजह से ट्रैफिक का फ्लो काफ़ी बेहतर है, लेकिन यहाँ पर जो धरना देने वाले उनके अलग से कोई मुतालबात नहीं है। यहाँ पर मुतालबात हैं जो इस्लाम में बैठे हुए मुजाहिरीन के मुतालबात हैं, वहाँ पर तो एक प्रोसेस चल रहा है मुशावरत का, क्या यहाँ पर कराची में इंतजामिया के नुमाइंदे हुकूमती नुमाइंदे पहुँचे हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश की गई है? नहीं, अभी तक किसी भी इंतजामिया की जानिब से या हुकूमत की जानिब से यहाँ पर धरना देने वालों से कोई मुजाकरा कोई बातचीत नहीं की गई है, इनका सिर्फ अलग से कोई मुतालबा नहीं है इसी वजह से इनसे कोई बात नहीं की गई और यही वजह है कि इन्होंने भी इंतजामिया को अप्रोच नहीं किया। इनका ये कहना है कि इस्लामाबाद में जो धरना दिया जा रहा है उसके साथ यकजहती के लिए ये धरना दिया जा रहा है, जैसे ही वहाँ पर ये धरना खत्म हो जाएगा तो यहाँ से भी धरना खत्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा लबैक या रसूलुल्लाह की जानिब से यहाँ पर धरना दिया जा रहा था जिसमें मुख्तलिफ मजहबी जमातें उनकी तरफ से भी उनको यहाँ पर हिमायत दी गई है, उनके लोग भी यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। शाम के वक्त से जब ये धरना शुरू हुआ था तो कम लोग थे लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों की तादाद में भी काफी इजाफा देखने में गया है। बहुत शुक्रिया वकास खान, आपका भी, आसिफ नवीद आपका भी बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद से आसिफ नवीद हमारे हमराह थे और जबकि वकास हमें कराची की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। दोनों जानिब ही एहतजाज का जो सिलसिला है वो जारी है, इस्लामाबाद में एक ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है और वो जो मुशावरती अमल है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है, जबकि कराची में जो मुजाहिरीन बैठे हुए हैं उनकी डिमांड ये है कि वो मुतालबात जो इस्लामाबाद के शुरका ने रखे हुए हैं वो
पूरे कर दिए जाते हैं तो फिर उसके बाद ये भी अपने जो धरने का मकाम है उससे उठ जाएंगे, एहतजाज ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ साथ आज की एक और बहुत बड़ी स्टोरी, और ये सिर्फ आज की स्टोरी नहीं है, पूरे हफ्ते से एक सिलसिला चल रहा है बलूचिस्तान का, उस पर बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुर्बत से 15 अफराद की लाशें मिली थी और अभी 3 दिन ही गुजरे थे कि आज एक और वाकया पेश आ गया है। ताजान के इलाके में मज़ीद 5 लाशें मिली हैं और उनको बुध को कत्ल किए गए जो 15 अफराद थे उन्हीं की तरह से गोलियाँ मारी गई हैं। कत्ल किए गए ये जो तमाम तर अफराद हैं इनका ताल्लुक गुजरात से बताया जा रहा है और ये इस हफ्ते बलूचिस्तान में पेश आने वाला जो दहशतगर्दी का वाकया है तीसरा बड़ा वाकया है। बुध को पेश आने वाले वाकये के पीछे हुकूमत ने कलदम BLF के मुलव्वस होने का इंकशाफ किया था और उसके बाद कलदम BLF के कमांडर की हलाकत की भी इतला आई थी। दोनों वाकयात ऐसे हाल में आए हैं कि जब ये पूरा हफ्ता बलूचिस्तान को लेकर खासा अहम गुजरा है। इसी हफ्ते कोयटा में SP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद इलियास की गाड़ी पर हमला हुआ। उन्हें उस वक्त निशाना बनाया गया कि जब वो अपनी फैमिली के साथ सफ़र कर रहे थे। इस हमले में उनकी अहलिया, बेटा और पोता भी जान बहक हुए। बहुत ही अफसोसनाक और तकलीफ दह वाकया था और उसके बाद फिर ज़ूरिख एयरपोर्ट पर बलोच शिद्दत पसंद कमांडर मेहरान मरी को तहवील में लिया गया। बलोच शिद्दत पसंद लीडर्स की एक बैठक में शिरकत के लिए वो वहाँ पर पहुँचे थे। स्विस हुकूमत ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर उनके ताहयात स्विट्ज़रलैंड में दाखिले पर पाबंदी लगाई। इसके अलावा लंदन में बलूचिस्तान से मुतालिक पाकिस्तान मुखालिफ इश्तिहारी मुहिम भी रुकवा दी गई है। बरतानवी हुकूमत ने ये इकदाम भी पाकिस्तानी हाई कमीशन की दरख्वास्त पर ही उठाया। तो पूरा जो ये हफ्ता गुजरा है बलूचिस्तान में खासा अहम रहा, बड़े मुश्किल और तकलीफ दह किस्म की सूरत हाल देखने को आई है। तमाम तर जो डिवेलपमेंट है इस पर अब हम बात करते हैं। हमें तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत अनवारुल हक काकर साहब ने ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया काकर साहब आपका। ये बलूचिस्तान में हो क्या रहा है, बैरून मुल्क जाने की कोशिश में 15 अफराद का पहले कत्ल हुआ, अभी एक हफ्ता भी नहीं गुजरा और आज मजीद 5 हलाकतों की खबर आई है। काकर साहब ये जो नया सिलसिला है इसको किस तरह से हुकूमत डील कर रही है, किस तरह का मामला है ये? जैसे नादिया आप जानती होंगी यहाँ पर एक BLF के नाम से दहशतगर्द तंजीम है जो कि बज़ाहिर हकूक़ की बात करती है और कहती है कि वो अपने लोगों को आज़ादी दिलवाएगी और एक नया मुल्क तश्कील देंगे। हालत अब ये पहुँच गई है कि पहाड़ों के बीच में निहत्ते इकोनॉमिक माइग्रेंट्स को पकड़ के उनको गोलियां मार के शहीद कर रहे हैं। पता नहीं ये किस सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये किस अकदार को रिप्रेजेंट करते हैं। ये लोग बिल्कुल दरंदगी पे उतर आए हैं और ये माँ सिवाय इसके के इनको अब इस माशरे से बिल्कुल अलहदा किया जाए, मुझे नहीं लगता कि कोई और इसका हल शायद अब हमारे पास। काकर साहब ये सारी कार्रवाइयाँ अगर BLF कर रही है इतनी तेज़ी से, कार्रवाइयाँ अचानक से करने की वजह क्या है? गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने का जो ये सिलसिला है तो कई बरसों से जारी था, इन्हीं रास्तों से गुजर कर लोग जाते रहे हैं, लेकिन इस तरह से कत्ल किया जाना, कोई ख़ास मकसद आपको नज़र आ रहा है ये जो तेज़ होती हुई कार्रवाइयाँ है इसका? देखें ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं, सेटल्ड रूट्स हैं, जो रोड्स हैं हमारे वो सिक्योर हो चुके हैं और चूंकि अब वो किसी किस्म की कार्रवाई मेन जो हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो हमारे डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं उस पर तो ये अटैक करने के काबिल रहे नहीं हैं, तो लिहाजा ये उन वल्नरेबल लोगों को अब टारगेट कर रहे हैं, जैसे ये मस्कूरा ग्रुप है जो गैर कानूनी तौर पर तारीख वतन बनना चाहते हैं, उनको ये शहीद कर बेचारे को लिंक कर। वल्नरेबल आपने बताया कि ये लोग हैं, लेकिन रास्ते कैसे हैं? वो दोनों ही वाकयात तुर्बत में पेश आए हैं, ईरान जाने के लिए तुर्बत को ही इस्तेमाल ज़्यादा किया जा रहा है, क्या अलहदगी पसंद जो है वो यहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, चेक एंड बैलेंस इतना नहीं होता है? और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक बड़ा कॉम्प्लेक्स वो है, वेब है जी। ये पंजाब के मुख्तलिफ पॉपुलर ज़िले हैं जहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तहत इनके एजेंट्स बैठे हुए हैं और इनके फैसिलिटेटर्स पूरे मुल्क में फैले हुए होते हैं, मुख्तलिफ रूट्स ये अपनाते हैं और उन रूट्स का तायुन ये ख़ुद अपनी कंसिड्रेशन के तहत करते हैं। अब यहाँ ये जो मकरान वाला रास्ता है ये भी इनके साथ काफ़ी पॉपुलर है और हज़ारों की तादाद साल में लोग यहाँ एक साल के दौरान
हजारों की तादाद में लोग यहाँ तो से जाते हैं। काकर साहब, ये जो BLFS के खिलाफ कार्रवाइयाँ अब तक क्या की गई हैं, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने तो ये भी बताया था कि तुर्बत में जो 15 अफराद का पहले कत्ल हुआ था उसमें मुलव्वस BLF का एक दहशतगर्द मारा गया, 3 गिरफ्तार भी किए गए थे, उनसे तहकीकात हुई, कोई पेशरफ्त उसमें सामने आ सकी है इस तंजीम के बारे में? हम उनकी निशानदेही पे मजीद भी देख रहे हैं, गिरफ्तारियां करने की कोशिश कर रहे हैं। तकरीबन हमें इनका नेट का पता लग गया है, हमें पता है कि कौन कौन से लोग इसमें मुलव्वस हैं। असल में इसके साथ साथ मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से अपील करूँगा पूरे पाकिस्तान में वालदैन से कि खुदारा अपने बच्चों को जो है ना इन दरिंदों के, ये जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं, इनके हाथ में ना दे। ये सुहाने ख्वाब दिखा के या तो यहाँ इनके साथ ये वाकया हो गया या आगे भी ईरान की तरफ या फर्दर, ये बड़ा पुरखदर रास्ता है। इससे पाकिस्तान की भी बदनामी होती है और इनके प्यारे जो हैं वो जान से हाथ धो बैठते हैं। ऐसा रिस्क कतन ना लें, अपनी ज़मीन सांझी, अपनी ज़मीन पर कम रिस्क मिले, बेहतर रिस्क मिले, तो उसी पे शुक्र अदा करना चाहिए। यहाँ बड़े मौके अल्लाह ने रखे हैं। गैर कानूनी तौर पर ये जो सरहद पार करने वाले, इनको रोकने के लिए आप खुद हुकूमती सतह पर क्या कर रहे हैं, किस कैसे महफूज बना रहे हैं आप लोग इन लोगों को? जी बिल्कुल, हमने वफाकी हुकूमत के साथ, इंटीरियर मिनिस्ट्री के साथ इस चीज़ को बड़ा सीरियसली टेकअप किया हुआ है कि एक तो वो सख्ती के साथ ये जो इनके पीछे लोग बैठे हुए हैं उन पे हाथ डालें। साथ में हम सूबाई हुकूमत की सतह पे कोशिश करेंगे कि यहाँ पर इनके जो फैसिलिटेटर्स हैं उनको भी कानून के कटहरे में हम ला के खड़ा कर सकें। और इसके साथ साथ पूरे मुल्क में जो इनके लोग और एजेंट्स एक जाल की सूरत में फैले हुए हैं, इस जाल को तोड़ने की कोशिश करें। काकर साहब, बलूचिस्तान में क्योंकि ये एकदम से वाकयात बड़े हैं, पुलिस अफसरान को निशाना बनाया गया, अहले खाना को भी निशाना बनाया गया है, फिर सानिया लाल शहबाज कलंदर धमाके का जो सहूलतकार है बलूचिस्तान से कराची आते हुए गिरफ्तार हुआ, ये वजह क्या, सूबे में अचानक से जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ बढ़ी हैं इनकी वजह क्या है, और फिर ये कि इस पर काबू पाने में प्रॉब्लम्स कहाँ पर आ रही हैं, क्यों नहीं काबू पाया जा रहा है? देखें, ये मुझे पता है कि ये बड़ी हिजानी कैफियत पैदा करता है मुल्क में, मीडिया में, लेकिन जंगें जो है ना वो हिम्मत और हिकमत के मिलाप से लड़ी जाती हैं। तो हिम्मत भी नहीं आ रही है और हिकमत के साथ इसके खिलाफ डट के लड़ना भी है, जिसमें बाज़ औक़ात हिम्मत के ज़िम्मे में ये आता है कि आपका नुकसान होता है तो आप घबरा के छोड़ नहीं देते, आप पलट के आवार करते हैं। तो ये हिम्मत और वो वार आप बड़े हिकमत के साथ, सोच समझ के, प्लानिंग के साथ करें तो अच्छे रिजल्ट्स की तवक्को आ सकती है। तो BLF से निपटने के लिए क्या हिकमत बनाई गई है, और जो हिकमत है वो आप समझते हैं कि मौसर साबित? जी इंशाल्लाह, मैं इस फोरम पे जाहिर है वो जो LEAs की प्लानिंग्स है उनको नहीं शेयर कर पाऊंगा, लेकिन डेफिनेटली प्लानिंग्स चल रही हैं। मुनासिब नहीं होगा इस मौके पे उस पर बात करना। वजह उसकी ये है कि ये लहर, आप हम सब जानते हैं कि ओपन डिक्लेरेशन एज एन एनिमिटी हिंदुस्तान की रियासत ने की हुई है। उसने कहा कि मैं हर सूरत से मुराद कि वो किसी हद पे जा सकता है, ये CPEC का मंसूबा और इससे जो जुड़ी माशी तरक्की है उसमें रुकावट डालूंगा, और उसी रुकावट के तनाजुर में ये तमाम वाकयात उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज यहाँ पे हमारे जो इंटरनल फॉल्ट लाइंस हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, और जो हमारे लोग उनको अवेलेबल होते हैं वो उनकी प्रॉक्सी का किरदार अदा करते हैं। ये महज उनके स्टूज हैं, ये उनके पेरोल पे चंद शैतान के पास अपनी रूह गिरवी कर चुके हैं और उसी की बांसुरी पे रक्स करने। मेरा आखिरी सवाल आपसे काकर साहब, जो वल्नरेबल लोग हैं, चाहे वो मजदूर हों, चाहे वो गैर कानूनी तौर पर जाने सरहद पार करने वाले, उनको बचाने के लिए फौरी तौर पर अभी क्या करना चाहिए, हुकूमत कर क्या रही है? ये जी मजदूर नहीं थे, मैं क्लेरिफाई कर दूं, ये इकोनॉमिक इमिग्रेंट्स थे जो ईरान की तरफ जा रहे थे। देखें, वो जाहिर है हम इस वक्त पूरे एरिया में कोशिश कर रहे हैं कि जगह जगह सर्च करें और देखें कि इन कहीं पर अगर मजीद मूवमेंट इन लोगों की है उनको रोका जाए और उनको वापस अपने घरों में हम भेजें और डिस्करेज करें कि वो इस रूट को इस्तेमाल करें या ये राह अपनाएं कि गैर कानूनी तरीके से ये बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करें। ये पब्लिक अपील का मैसेज जो है वो हम आपके प्रोग्राम के जरिए भी दे रहे हैं, दूसरे फोरम्स भी हम इसमें यूटिलाइज करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो इनके फैसिलिटेटर्स यहाँ बलूचिस्तान में हैं उन पे हम हाथ डालें ताकि वो इनको यहाँ तक लाएं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अनवारुल हक काकर साहब, तर्जुमान बलूचिस्तान।
बलूचिस्तान में ये जो दहशत गर्दी की नई लहर उठी है और बहुत तेज़ी से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, उससे मुतालिक जो जिस तरह से काम हो रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेज जिस तरह से काम कर रहे हैं उससे हमें आगाह कर रहे थे। एक ब्रेक यहाँ पर लेते हैं और इस ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे कि हुकूमत नया वजीर ख़जाना भी ढूंढ रही है और इसहाक डार को हटाने का बहाना भी। कीप वॉचिंग न्यूज़ आर विद नाजिया। वेलकम बैक। आज सुबह से ही वजीर ख़जाना इसहाक डार के इस्तीफे का शोर था। उनके खिलाफ एहतसाब अदालत में नैब रेफरेंसेस की समाअत के आगाज़ के बाद से ही मुसलसल उनके इस्तीफे का मुतालबा किया गया और लग यही रहा था कि आखिरकार उन्हें ओहदे से हटाने का फैसला किया गया। इस बारे में तस्दीक तो नहीं हो सकी, लेकिन अब ज़रा ये बताते हैं कि इसहाक डार को ओहदे से हटाने के लिए नवाज शरीफ की जानिब से मंजूरी ली जा चुकी है और इसहाक डार की जगह किसे ये अब वजारत ख़जाना का कलमदान सौंपा जाना है, इसके लिए मुफ्ता इस्माइल का नाम गर्दिश करता रहा आज पूरा दिन। लेकिन इस हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जो कि ज़ेरे गौर हैं। मुमकिन है कि वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कुछ वक्त के लिए वज़ीर ख़जाना का ओहदा अपने पास रखें या फिर फौरी तौर पर कौमी असम्बली के किसी और रुकन को यह जिम्मेदारी सौंप दी जाए। इसके अलावा मुशीर लगाने के इम्कान को भी फ़िलहाल रद्द नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वजारत ख़जाना के लिए जिन नामों पर गौर हो रहा है उनमें साबिक मुशीर ख़जाना शौकत तरीन और स्टेट बैंक के साबिक गवर्नर इशरत हुसैन के नाम भी शामिल हैं। इसके साथ राना अफजल और एहसन इकबाल के नामों पर भी गौर किया जा रहा है। राना अफजल खान चूँकि पिछले 4 साल से पार्लिमानी सेक्रेटरी ख़जाना हैं और मुफ्ता इस्माइल वज़ीर आज़म के माशी उमूर पर मावन खसूसी के तौर पर काम कर रहे हैं, तो ये दोनों शख्सियात माशी जो मामलात हैं इनको संभालने के लिए अहल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अहम बात यह है कि ये तमाम तर इतलात अभी तक ज़राए पर मबनी हैं। हुकूमती सतह पर बाज़ाब्ता तौर पर इसहाक डार को हटाने से मुतालिक कोई तस्दीक नहीं की गई। इस मामले पर आज जब वज़ीर मुमलिकत बराए इतलात से सवाल किया गया तो उन्होंने इन खबरों की तस्दीक से इज्तनाब बरता और बेबुनियाद भी इसको करार दिया। अलबत्ता उन्होंने खुलकर इन खबरों की जो तर्दीद करनी चाहिए थी वो नहीं की। वो क्या कह रही थी ज़रा सुनिए। इस तबीयत की वजह से जो इस वक्त न्यूज़ भी आ रही है उनके इस्तीफ़े की, लेकिन ये वज़ीर आज़म की सवाबदीद है और इसहाक डार साहब अगर जब इस्तीफ़ा अगर उन्होंने दिया या कोई इस तरह की बात हुई तो वो इसको अनाउंस करेंगे। मेरे ख्याल में इसके अंदर जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं वो बेबुनियाद हैं और नामुनासिब। तो मरियम औरंगज़ेब की गुफ्तगू से लग यही रहा है कि इख्तदार के ऐवानों में इसहाक डार को लेकर कुछ ना कुछ तो सोचा जा रहा है, क्योंकि डार साहब पिछले कई हफ्तों से इलाज की गर्ज से लंदन में हैं। उनकी गैर मौजूदगी के बाइस कई अहम मामलात हैं जो कि रुके हुए हैं। इससे पहले भी वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से डार साहब को ओहदा छोड़ने से मुतालिक मशवरों की खबरें भी आती रही हैं, लेकिन डार साहब ओहदा ना छोड़ने पर बज़िद थे, जिसकी वजह उन माशी पॉलिसियों का तसलसल भी बताया गया कि जिनकी बुनियाद पर इसहाक डार साहब ने अपने 4 साल दौर में जो उतार चढ़ाव था वो देखा है। लेकिन ये माशी उतार चढ़ाव क्या रहा, इस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इसहाक डार या नंबरों के जादूगर, 4 साल दौर में डार साहब की हेरफेर का इल्जाम लगता रहा, इसीलिए जो मुआशी आशारिये हुकूमत पेश करती रही उन्हें ज्यादा मुस्तरद तसव्वुर नहीं किया जाता। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का कयाम, यूरोप में पाकिस्तान को जीएसटी प्लस स्टेटस, फाइलर और नॉन फाइलर में तफीक, जरी मुबादला के जखायर और बैरूनी सरमाए में वाज़ह इजाफा उनके क्रेडिट पर है। इसके साथ इसहाक डार पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा कर्जा लेने वाले वजीर खजाना भी हैं। इनके दौर में 35 अरब डॉलर से जायद का कर्जा लिया गया। पाकिस्तान उनके दौर में आईएमएफ के पास गया। ताजिरों को टैक्स नेट में लाने के नाम पर विदहोल्डिंग टैक्स मुतारिफ कराया गया, जिसका बोझ आम सार्फीन को बर्दाश्त करना पड़ा। इसहाक डार का 4 साल दौर नंबर गेम को लेकर इन पर हमेशा तनकीद की जाती रही, इसीलिए माशी माहरीन उनकी कामयाबियों को मुसद्दिका तसव्वुर नहीं करते। अब उन्हें हटाने की जो खबरें हैं ऐसे वक्त में सामने आ रही हैं कि जब हमारे माशी अशारिये नीचे की जानिब दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में उनका जाना और फिर नए वज़ीर ख़जाना का आना पाकिस्तानी जो मईशत है इस पर क्या असर डालेगा, इस पर हम बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वज़ीर ख़जाना सलमान शाह साहब। बहुत शुक्रिया सलमान शाह साहब आपका। इसहाक डार के ख़िलाफ़ नैब रेफरेंसेस की समाअत के बाद से मुसलसल इस्तीफ़े का मुतालबा तो किया गया है,
یہاں تک کہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے بھی ان کو عہدہ چھوڑنے کا مشورہ دیا. اس کے باوجود ان کا عہدہ نہ چھوڑنا یہ جو ضد ہے اس کی وجہ آپ کو کیا نظر آ رہی ہے اور اس سے معیشت کو کتنا نقصان ہے؟ نہیں, آئی تھنک ایک چیز تو یہ ہے کہ کلچر ہی پاکستان میں نہیں ہے کہ جب آپ کے اوپر اس قسم کے سنگین الزام لگتے ہیں تو آپ کو ریزائن کرنا چاہیے. اگر یہ دوسرے کسی یورپین ممالک میں ہوتا یا کوئی ڈیولپڈ کنٹریز میں اس طرح کے الزام لگتے تو امیجیٹلی پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ انکمبنٹ جو ہے وہ ریزائن کرتا ہے اور پھر اپنی ایکسپلینیشن اس کے بعد دیتا ہے. لیکن یہاں پہ پاکستان میں کلچر ہے کہ اگر آپ نے کرسی چھوڑ دی تو پھر شاید آپ بالکل ہی واپس نہیں آ سکیں گے, آپ کنڈیم ہو جائیں گے یا آپ کا کیس کمزور ہو جائے گا یا بیسیکلی ہی آپ کی ایک تربیت ہوئی یہ ہے کہ آپ بیٹھے رہیں جب تک آپ کو نکالا نہیں جاتا. سو آئی تھنک کہ یہ سارے ریزنز ہیں کہ ایک وہ سمجھتے ہیں کہ جانے کے بعد ان کو زیادہ مشکلات ہوں گی اور دوسری بات یہ ہے کہ کرسی کے بے شمار فائدے بھی ہوتے ہیں. لیکن سرمایہ شاہ صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ ایک تاثر یہ بھی ہے, مسئلہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ان کو عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے, نیا وزیر خزانہ آتا ہے تو جو معاشی پالیسیاں ان کا تسلسل ٹوٹے گا. ڈار صاحب چار سال سے معیشت کو لے کر چل رہے ہیں, کوئی نیا آئے گا تو وہ بہتر طور پہ معاملات کو اس وقت ہینڈل نہیں کر سکے گا, کیا ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ ادارے ہوتے ہیں. اگر منسٹری آف فائنینس کی جو ہے وہ اگر ریزائن کرتا ہے فار سرٹن ریزنز تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ منسٹری جو ہے وہ پھر بالکل کام نہیں کر سکتی یا وہ جو انیشیٹیوز چل رہی ہیں ان کو مکمل نہیں کر سکتی. ہاں, ایک نیا اگر جب آئے گا فائنینس منسٹر یا اگر پرائم منسٹر خود اس عہدے کو اپنے پاس رکھیں گے تو وہ اس کی تھوڑی بہت فائن ٹیوننگ ڈیفینیٹلی کریں گے. کوئی ایسی چیزیں جو سابقا جو وزیر خزانہ تھا وہ نہیں کرنا چاہتا تھا ہو سکتا ہے وہ بھی ہوں, بٹ کوئی ڈرامیٹک ٹرن راؤنڈ کرنا یا کوئی بالکل اباؤٹ ٹرن کرنا اس طرح کی چیز نہیں ہوگی, کیونکہ اداروں کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ ادارے کنٹینیوٹی دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو کنٹینیوٹی ہوگی یہ کیسی ہوگی؟ ڈار صاحب کو ہٹایا جاتا ہے, نئی شخصیت کوئی وزیر خزانہ بنتی ہے, تو جو سب سے قریب ٹاسک نظر آتا ہے دسمبر میں آئی ایم ایف کی قسط دینی ہے جس کے لیے ہمارے پاس ظاہر ڈالرز بھی اتنے موجود نہیں ہے, تو کتنا مشکل ہو جائے گا کسی بھی وزیر خزانہ کے لیے ایسے وقت میں؟ یہی جو ٹرینڈز ہیں اس وقت کہ آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہو رہا ہے, آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہو رہا ہے, آپ کی انویسٹمنٹ فلوز جو ہیں وہ نان ڈیٹ انویسٹمنٹ فلوز کم ہیں, ڈیٹ فلوز بہت زیادہ ہیں. پھر یہ ہے کہ پاور سیکٹر جو ہے وہ اکانومی کے اوپر بہت بڑا بوجھ بنتا جا رہا ہے, اس کے سرکولر ڈیٹ جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں, پاور کی قیمت جو ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہوتی جا رہی ہے, جتنے یہ منصوبے لگے ہیں ان کی قیمت بہت زیادہ دی گئی ہے, اس کی وجہ سے ان کی ٹیرف بہت اونچے ہیں اور اس کی وجہ سے انڈسٹری جو ہے ایگریکلچر جو ہے وہ نہیں چل رہی, ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ خاصے بحران کا شکار ہے, اس کی وجہ سے ایکسپورٹس میں بہت کمی آ رہی ہے. سو یہ ٹرینڈز جو ہیں ان کو مینیج کرنا بہت ضروری ہے اور بڑی جلدی کرنا ضروری ہے. تو یہ انڈسٹریز کا بحران جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کو ظاہر ہے مینیج کرنا اور پھر دسمبر میں آئی ایم ایف کی جو قسط ہے اس کی ادائیگی, پھر آئی ایم ایف پلان کی جانب ظاہر جانا پڑے گا, کیا یہ واحد راستہ آپ کو نظر آتا ہے؟ اس کے علاوہ کوئی آپشن جس پہ کام کیا جا سکتا ہے؟ تو نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں, اگر آپ کو اس وقت بھی اگر آپ کی کریڈیبلٹی ہو, آپ کی لیڈرشپ کی اگر کریڈیبلٹی ہو اور اگر وزیر خزانہ جو نئے آئیں گے ان کی کریڈیبلٹی ہوگی تو وہ پھر آپ کو فائنینسنگ آپشنز آپ کے پاس موجود ہوں گی. وہ آپ یورو بانڈز بھی کر سکتے ہیں, بکس بھی کر سکتے ہیں, آپ جی ڈی آرز کر سکتے ہیں, آپ چائنا کے بانڈز ایشو کر سکتے ہیں. سو بے شمار چیزیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ امیجیٹلی ایکسپورٹس کے اوپر اگر تھوڑی بہت جو دشواریاں آ رہی ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری کو, اس کو اگر آپ دور کرنے میں کامیاب ہوں تو چند ارب ڈالر تو ایکسپورٹس بھی آپ کی بڑھ سکتی ہیں.
सो आई थिंक ये सारी चीजें अगर फिर काम किया जाएगा तो फिर हो सकता है कि IMF के पास आपको ना जाना पड़े। ये जो मेजर्स हैं जाहिर है इन पे तो काम करना जरूरी है, लेकिन ये जो चार साल दौर आप देखते हैं डार साहब का पाकिस्तानी इकोनॉमी के एतबार से अगर इसको देखें तो इस दौर में बेहतर पॉलिसीज थी या फिर माशी तबाही दिखाई दे रही है? आई थिंक ये तो बिल्कुल इस साल के शुरू में जब IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान तशरीफ लाई थी, जब IMF का प्रोग्राम मुकम्मल हुआ था तो उन्होंने उस तकरीरें जो उन्होंने यहाँ पाकिस्तान में की तो उन्होंने ये कहा कि आपको आपने प्रोग्राम तो मुकम्मल कर लिया है लेकिन अब आपको बेशुमार रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, और अगर आप वो रिफॉर्म्स जो हैं वो क्या थी, वो एक रिफॉर्म ये थी कि आप FBR को ठीक करेंगे जी। दूसरी रिफॉर्म ये थी कि आप पावर सेक्टर को दुरुस्त करेंगे, तीसरी रिफॉर्म ये थी कि आप पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जो है उसको बेहतर करेंगे, चौथी बात ये थी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसको आप उसकी रैंकिंग्स में पाकिस्तान को इम्प्रूव करेंगे, डी रेगुलेशन करेंगे। तो अगर ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने जो स्पेल आउट की हैं उसमें तो आई थिंक दार साहब की जो कारकर्दगी है वो तो तकरीबन जीरो है, जीरो कारकर्दगी। ये सारी रिफॉर्म्स जो आपने कहा ये करनी थी उनको वो नहीं कर सके हैं। बहुत शुक्रिया सलमान शाह साहब, साबिक वजीर खजाना हमारे हमरा थे और जो चार साल दौर गुजरा है डार साहब का उस पर इजहार ख्याल कर रहे थे। एक ब्रेक यहाँ पर लेना है मुझे और इस ब्रेक के बाद हम बात करेंगे फैज इंटरनेशनल फेस्टिवल की जो कि लाहौर में मुनाकिद हुआ है। कीप वॉचिंग न्यूज़ आर विद नाजिया। वेलकम बैक। इस्लामाबाद और कराची में मुजाहिरीन बैठे हुए हैं, धरना दिया हुआ है, अवाम और हुकूमत का जीना महाल है। पूरे हफ्ते सुबह सुबह शरीफ खानदान की अदालत में पेशियां होती रही हैं। इसहाक डार मुल्क की मईशत को लेकर खबरों में रहे हैं, उनके इस्तीफे की खबरें रही हैं पूरा हफ्ता ही। उधर बलूचिस्तान का जिक्र हमने किया कि जहाँ मासूम अफराद को बेदर्दी से मौत के घाट उतारा जाता रहा है, तो बड़े तकलीफदह ये हालात हैं मुल्क के लिए भी और अवाम के लिए भी। और इन्हीं परेशान कुन हालात के दरमियान एक फिक्री निशस्त या सरगर्मी लाहौर में हो रही है। लाहौर के अल्हम्रा हॉल में 3 रोज़ा फैज़ फेस्टिवल जारी है जिसमें पाकिस्तान समेत दुनिया भर से स्कॉलर्स शिरकत कर रहे हैं। फैज़ जिन्होंने अपनी नज़मों में समाज की जो तस्वीर खींची है यही तस्वीर यहाँ पर ज़ेर बहस है आज, क्योंकि मुल्क की सियासी माशी और समाजी हालात बदले बिल्कुल भी नहीं हैं। आज भी हमारे इर्द गिर्द वही परछाइयाँ हैं जो कि फैज़ की नज़मों में नज़र आती हैं। तो फैज़ की नज़मों में क्या कुछ था इस पर एक आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बने हैं अहले हवस, मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करे, किनसे मुनसफी चाहे। फैज अहमद फैज रुमानवी इनकलाबी और सियासी शायर थे, उन्होंने मोहब्बत और इनकलाब के तराने बयकवक गुनगुनाए हैं। ये फैज का ही कमाल था कि उन्होंने वतन से मोहब्बत का इजहार महबूब की तरह किया। तेरे होंठों के फूलों की चाहत में हम दार की खुश्क टहनी पे वारे गए, तेरे हाथों की शमों की हसरत में हम नीम तारीख राहों में मारे गए। यही आजादाना इजहार ख्याल उन्हें जेल की सलाखों के पीछे ले गया, लेकिन उनके फिक्र और नजरियात पर पहरे ना लगाए जा सके। दूसरी जानिब फैज अपने देश और हमवतनों की खस्ता हाली, जहालत, भूख और बेबसी देखकर तड़पते थे, लेकिन वतन की मोहब्बत हमेशा गालिब रही। निसार मैं तेरी गलियों के ऐ वतन के, जहां चली है रस्म के कोई नसर उठा के चले। वाज़ेह है कि फैज की ये शायरी मजमूई शायरी सियासत का रंग लिए हुए है। जो इश्क मोहब्बत छलकता है तो वो इंसानियत से मोहब्बत है, दूसरों का दर्द है इसमें, ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात गुर्बत महरूमी बेचैन किए रखती है। फैज़ अहमद फैज़ की शायरी में मौजूदा हालात का कितना रंग छलकता है इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सियासतदान हैं तजिया कारा एयाज़ मीर साहब जो फैज़ फेस्टिवल में भी शरीक रहे हैं और वहीं से हमसे बात भी की है। बहुत शुक्रिया एयाज़ मीर साहब आपका। फैज़ अहमद फैज़ जबर के
इस्तेहसाल के दुश्मन थे, अदल और इंसाफ के हामी थे, अवाम ही ताकत का सरचश्मा उनको वो समझते थे। अब जो हमारे मुल्क के मौजूदा हालात हैं, आप क्या समझते हैं फैज़ की जो शायरी है कितनी रेलेवेंट है आज के इन हालात से और क्या पैगाम देती है? एक तो है कि फैज़ साहब की शायरी जो है उसका पॉलिटिकल रेलेवेंस बहुत उस ज़माने से है जब पाकिस्तान बन चुका था, नया नया मारज़ वजूद में आया था, और फिर उनकी शायरी जो है वो इस तमन्ना के बारे में थी, इस आरजू के बारे में थी कि हम ख्वाब कौन से लेकर आए थे और हकीकत किन सांचों में ढल रही है। तो वो जो चीज़ है कि जहन में क्या है, दिल में तड़प क्या है और हकीकत क्या है, वो जो एक गैप रहता है वो हमेशा रहता है, और जब तक वो गैप रहेगा तो उनकी शायरी जो है वो रेलेवेंट रहेगी, क्योंकि ऐसी जो जो है जिसको इजहार है, जो एक्सप्रेशन है, जैसे फैज साहब का है, बहुत ही कम लोगों में है। हम गालिब को क्यों बार बार कहते हैं? क्योंकि गालिब की शायरी जो है वो रेलेवेंट रहती है हर हालात में, हर मूड में, हर शाम को, हर सुबह। तो ऐसा कोई भी बड़ा शायर हो, और इसमें कोई कलाम ही नहीं कि फैज साहब बहुत बड़े शायर थे, तो उनका जो पैगाम है, सियासी पैगाम है, उसकी रेलेवेंस रहेगी, और आजकल के ज़माने में भी है। पढ़ के आदमी जो है देखे कि हम कहाँ भटक गए और हमें कहाँ जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया याज अमीर साहब। फैज़ फेस्टिवल में मौजूद थे, बात भी की, तो फैज़ की जो शायरी है वो आज के हालात में बहुत रेलेवेंट नज़र आती है। वही सियासी, वही समाजी, वही माशी हालात हैं। इस वक्त फैज़ तो नहीं है, लेकिन उनकी शायरी और हम उनके दौर में ज़रूर जी रहे हैं। इसी पैगाम के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफ़िज़।